what time is it? You know what time it is. It's time to hit that subscribe button. You know just where it's at. Right down there. Right down there. And it's time to find my Instagram. That's Geekly Amanda. G-E-E-K-L-Y Amanda. It's the same on Twitter. Make sure to follow me there too. And it's time to get this reaction video started. Y'all, we're on the Vishnu Puran episode 5, part 1. I just want to get this started. I was like, remember last time? I was like, what? You're leaving me with this? I gotta start the next one. Y'all ready? Just get this started. Look, we're gonna do it. Ready? No more talking. Go. Me. Mother. Ma. Dharti Ma. अपनी आंखों के सामने घटने वाली घटनाओं को देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे। पहला ये कि राजा का परिवार क्या होता है और उससे राजा का संबंध कैसा होना चाहिए, और दूसरा ये कि पुत्र ध्रुव की मनोकामना कब और कैसे पूरी होगी। पहले प्रश्न का बहुत संतोषजनक उत्तर मुझे उस समय मिला जब देवर्षि नारद ने महाराज उत्तानपाद को बताया कि राजा का परिवार केवल उसके घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, उसका परिवार उसके समस्त राज्य में फैला होता है और प्रजा ही उसका वास्तविक परिवार है। ये उत्तर सुनकर मैं ये सोचने पर विवश हो गई कि देवर्षि नारद की इस वाणी को आज भुला क्यों दिया गया है और लोग इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं। परंतु दूसरे प्रश्न के विषय में मेरी चिंता ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि जब मैंने भगवान विष्णु को यह कहते सुना कि वे केवल एक भक्त के लिए ईश्वरत्व की गरिमा का त्याग नहीं कर सकते, तो मैं समझ गई कि पुत्र ध्रुव के संकट का समाधान अभी दूर है। संभव है उसे और दुख झेलना है और परीक्षा देनी है, और ये सोचकर मैं और माता लक्ष्मी दोनों दुखी हैं। सिंधु, हे प्रभु, न जाने क्यों मेरा मन कांप रहा है। कोई डरावना भय मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। कहीं मेरे पुत्र के प्राण संकट में तो नहीं? हे दया सागर, इस दुखियारी माता पर दया करो। That breaks all our mother's hearts. You know it does. मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो। And what's he gonna do? This is fault. Oh, he's gonna pray too. Repent. मेरे पाप का दंड मेरे पुत्र को न देना परमेश्वर। उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। Why is he gonna die? He's still not getting the lessons. Remember, he said he has to be there for his subjects, and all his subjects are his family. Oh, wait. What's she want? तू क्या करने आई है यहाँ? इसकी ममता के संसार में आग लगाकर उसके चलने का क्या मिला तुझे? हमारा सुख चैन छीन कर धिक्कार है तुझे। चली जा, चली जा, नहीं तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। चली दीजिए स्वामी, आप नहीं जानते ये सब इसी दुष्नारी का किया धरा है। ना ये ध्रुव को हमारी गोद से उतार दी और ना हमें मैं कहता हूँ चली जा। ऐसा मत कहिए स्वामी, सुरुचि को दोष देकर हम केवल अपने मन को बहला सकते हैं। ये तो नियति का खेल है। भाग्य में पुत्र वियोग लिखा था, सुमिल कर रहा, इसमें सुरुचि क्या करती? मैं नहीं मानता, भूल हम करते हैं और दोष हम भाग्य को देते हैं। ध्रुव सदैव इसकी आंखों में कांटे की तरह खड़कता रहा,
इसी के कारण हमारा पुत्र राजमहल छोड़कर चला गया। It's not just because of her. You're the one who followed her. ये बड़ी अभिमानी है, बड़ी निर्दयी है। She has to put all the blame on her. इसकी महत्वाकांक्षाओं को अभी कोई Think it not that easy. और इसे किसी के दुख का भी कोई ध्यान नहीं। मैं तो कहता हूँ कि यदि इसका उत्तम कहीं चला जाता तो इसे पता चलता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? दुखी होने का अर्थ ये नहीं कि कोई अपना विवेक ही खो दे। भगवान ना करे हमारा उत्तम कहीं चला जाए, वही तो इस राजभवन का कुलदीपक है। हमारा एक पुत्र तो न जाने कहां भटक रहा है। आप चाहते हैं कि हमारा दूसरा पुत्र भी हमसे दूर हो जाए? उत्तम केवल सुरुचि का ही पुत्र तो नहीं, वो मुझे भी माता कहकर पुकारता है। आप नहीं जानते, जब मुझे माता पुकारता है ना, तो घड़ी भर को मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मेरा ध्रुव मेरे पास नहीं है। उत्तम के लिए कोई भी शब्द आप अपने मुंह से मत निकालिएगा। सुना तुमने सुरुचि? सुनी तुमने इस दुखियारी माँ की बातें? ऐसी होती है ममता, इसे कहते हैं माता। तुमने इसके पुत्र के विरुद्ध क्या कुछ नहीं किया, पर ये तुम्हारे पुत्र के विरुद्ध कुछ भी बुरा सुनने को तैयार नहीं है। तुम इसे दुख देकर कितनी प्रसन्न थी, और ये तो इस विचार से दुखी है कि कहीं yeah, तुम्हें कोई दुख न पहुंचे। He's realizing that. कितनी महान है। और he's got to take responsibility too. Just कितनी छोटी हो तुम। धिक्कार है तुम्हें सुरुचि, धिक्कार है तुम्हें। अग्निदेव, अग्निदेव, कहाँ हैं आप? अग्निदेव, अग्निदेव, शीघ्र आइए। मेरी योग्य सेवा देवेंद्र। लक्षिता का अभियान विफल हो गया। उस ढीठ बालक ध्रुव ने मंत्र का जाप नहीं बंद किया, उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं देवराज? अब आप उस बालक के चारों ओर अग्नि का ऐसा घेरा डाल दीजिए कि वो भयभीत होकर मंत्र ही भूल जाए। जैसे भी हो उसे रोकिए, उसकी तपस्या भंग होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें देवराज। He just wants to be up there thinking everybody's chanting for to take his spot. Oh no. And then they're gonna put listen. Wait till Goddess Lakshmi finds out about this. And Pavarti and Pavarti too, they was they better go teach Lord Indra a lesson. He's still chanting. He's still chanting. Look at that. Goddess Lakshmi ain't gonna let this happen. You're playing backfire. And now you're just gonna make Goddess Lakshmi and Pavarti mad. You know how they're worried about him. Oh. Well, somebody stop it! Like, I'm getting nervous. Oh, no. Oh, what's that? What? He done caught the whole forest on fire? He done caught the whole forest on fire doing that. Oh! Thank you.
Now he's gonna get out of there fast. After he done caught the whole forest on fire. Oh, they're in for it now. They are in. क्या हो रहा है ये सब? बड़े-बड़े शक्तिशाली बलवान दैत्य मेरी शक्ति का लोहा मान गए। बड़े-बड़े दानव मुझसे टकराकर चूर-चूर हो गए। पर ये छोटा सा बालक किसी के वश में नहीं आ रहा। आप तो बड़े प्रतापी हैं अग्निदेव। आप भी उस नन्हे बालक से हार कर चले आए। Well, you ain't down there, Lord, ain't you doing anything? परंतु वह नन्हा सा बालक भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। जाप कर रहा है तो क्या? आप तो जानते हैं देवराज, जो भी मन से भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे उसके शरीर में दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और इस समय ध्रुव के शरीर में मुझसे भी अधिक ताप है। मेरी लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्त के और निकट क्यों नहीं गए? उसके सर्वथा निकट जाकर उसे भयभीत करना चाहिए था। असंभव था देवराज, यदि मैं उसके निकट जाता तो स्वयं और इस समय उसमें जो शक्ति है then. उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। There's my boy. अग्निदेव, ध्रुव के शरीर में जो शक्ति आ गई है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उस शक्ति का नाम भक्ति है। You tell him. जल, आंधी, झंझा, बाढ़, ऐसी कोई भी विपदा ध्रुव को टिका नहीं सकती। एक बात right now, Rande. कहिए देवर्षि, बात क्या? एक छोटा सा परामर्श आपके लिए। तो प्रदान कीजिए। अग्निदेव, ध्रुव के पास जो ज्वाला चक्र छोड़ आए हैं, वह ध्रुव का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, वन के निर्दोष पशुओं को अवश्य क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आप उचित समझें, तो अपने इस क्रोध की अग्नि को शांत कर लें। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। अग्निदेव, हमारी चिंता का विषय तो वह बालक ध्रुव है, जंगल के वे निर्दोष प्राणी नहीं। कृपया आप शीघ्र जाइए और जंगल में लगी ज्वाला को शांत कर दीजिए। जो आ गया देवराज। He's like, I just want to kill the boy, not the animals. Not on there. That's my boy. He's all charred. He got the black suit on his from the fire and hasn't even stopped. Oh, that's my little Duroff. Duroff. How do you say his name? Oh, look at him. सुरुचि है और उनके विरुद्ध बहुत क्रोध फैला हुआ है। बढ़ गया तो अराजकता फैल जाएगी। केवल आप ही महाराज को यह परामर्श दे सकते हैं कि वे प्रजा की भावना को शांत करने के लिए कोई उपाय करें। नहीं महाराज, इस स्थिति में नहीं कि वो कोई परामर्श दे सकें या ले सकें।
पुत्र वियोग ने उन्हें निथाल कर रखा है। Well, he's got a, look, उन्हें तो ये सूचना देना भी उचित नहीं कि राज्य में असंतोष फैल रहा है। परंतु अब क्या किया जाए राजगुरु? कहने को तो देश राजा का ही होता है, उस पर राज्य करना, उसे संभालना राजा का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। परंतु इन कार्यों को संपूर्ण करने में राजा जिन लोगों की सहायता लेता है वह भी उत्तरदायी होते हैं। रात्रि का अंधकार दूर करने का उत्तरदायित्व केवल चंद्रमा पर नहीं, उन तारों पर भी है जो चंद्रमा की चारों ओर चमकते हैं। यदि प्रजा में असंतोष फैला है तो उसे दूर करने का उत्तरदायित्व मुझ पर और आप पर भी है। अब प्रजा को समझाइए कि राजकुमार ध्रुव जिस अभियान पर निकले हैं, भगवान से विनती करें कि वो अभियान पूरा हो। ध्रुव का अभियान पूरा हो गया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जाइए और प्रजा को समझाइए कि राजभवन में बिखरे दुख को अपनी भावनाओं से और बढ़ावा न दे और ध्रुव की रक्षा और इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। जो आज्ञा राजगुरु। I've been trying to practice now. He needs to get it together. What did they done tell you? You have to be there for your kingdom and your subjects too. This king's always making me mad. And then he always wants to blame other people. महाराज, राज्यसभा का समय हो गया है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? संसार के दुखों से पीड़ित होकर भगवान के चरणों में शरण ढूंढ रहा हूँ राजगुरु। क्षमा कीजिए महाराज, आप भगवान के चरणों में शरण नहीं ढूंढ रहे हैं, आप तो जीवन के कड़वे सत्य से घबरा कर पलायन का मार्ग खोज रहे हैं, वास्तविकता से दूर भाग रहे हैं। ये सच है राजगुरु, परंतु जिस जुआरी ने एक ही दाव में अपना सब कुछ हार दिया हो वो और कर भी क्या सकता है? जीवन द्यूत कीड़ा नहीं है महाराज, ईश्वर ने मानव को जीवन कर्म क्षेत्र के रूप में दिया है, आप इसे कर्म भूमि से पलायन की शरण स्थली बना रहे हैं। मैं हार चुका हूँ राजगुरु, मैं हार चुका हूँ। Get it together, King. Get it together. मैं इस कर्म क्षेत्र में जीवन का एक महायुद्ध हार चुका हूँ। महाराज, किसी राजा का युद्ध हार जाना बड़ी बात नहीं है, He's gonna give him some... पर किसी राजा का साहस हार जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। Yeah. राजा का साहस व्यक्तिगत विषय नहीं होता, उस साहस के साथ प्रजा की आशाएं और उमंगें जुड़ी होती हैं, उस साहस के साथ प्रजा का भविष्य जुड़ा हुआ होता है। तो फिर मैं क्या करूं राजगुरु, मैं क्या करूं? उठिए और प्रजा के कल्याण की योजनाएं बनाइए। He's like, get it together. जो अपने परिवार का कल्याण ना कर सका वो प्रजा का कल्याण क्या करेगा राजगुरु? यही तो आपकी भूल है महाराज, आपने केवल राजभवन की चार दीवारी के भीतर रहने वालों को अपना परिवार समझ लिया है, पर वो प्रजा जो आपकी जय जयकार करती है, वो सैनिक जो आपके एक संकेत पर अपने प्राण नौछावर करने उठ खड़े होते हैं, क्या वो आपका परिवार नहीं है? राजा का वास्तविक परिवार तो उसकी प्रजा है। That's right. प्रजा के दुख पर दृष्टि डालिए, आप अपने दुख भूल जाएंगे। यदि कोई वृक्ष फल न दे सके तो उसकी महत्ता में कुछ कमी आ सकती है, पर यदि कोई वृक्ष छांव ही न दे सके तो उस वृक्ष का महत्व ही नहीं रहता। राजा वो वृक्ष होता है
जिसके तले प्रजा को सुख और न्याय की छांव मिलती है। अपनी प्रजा को इस छांव से वंचित न कीजिए महाराज। उठिए, अपना उत्तरदायित्व तो निभाने की सोचिए। मैं प्रयत्न करूंगा राजगुरु, मैं प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं महाराज, साहस कीजिए। That's right. No, what did Yoda say? There is no try. यदि आपको मेरा परामर्श स्वीकार नहीं है, only do. यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, words, तो what? मुझे कहने दीजिए कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ। यहाँ मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ठहरिए राजगुरु, ठहरिए। Let's stop there, because it's like halfway through, and he's about to quit. I don't know, but I kind of want to know what he's going to tell him. Oh, I should have waited. All right, y'all. We're going to have the next part tomorrow, though. We ain't going to have to wait too long. Next part's coming tomorrow. Vishnu Purin, part 2 of the episode 5. I love these. Y'all can tell I love these, and I know y'all do, too, because everybody... ask, when's the next one? All right, y'all, let me know what you think. Comments, thumbs, all that. Until next time, mwah!